नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। मैं उज्जवल प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक छोटी सी वीडियो के साथ। और ये वीडियो है क्या कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है, विधान परिषद का गठन कैसे किया जाता है। आप अच्छे से वाकिफ है कि राज्य में दो प्रकार की सदन होती है, एक को हम क्या बोलते हैं विधानसभा बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं विधानसभा, और दूसरे को कहते हैं विधान परिषद। क्या कहते हैं दूसरे को? विधान परिषद कहते हैं। तो देखो, विधानसभा तो लगभग हर राज्यों में है, लेकिन संविधान में उपबंध संविधान में एक तरीके से कहा गया है कि अगर जरूरत महसूस हुई तो किसी राज्य में विधान परिषद का भी गठन किया जा सकता है। और अभी मात्र 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। कौन कौन से वो राज्य है? एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, पांचवा कर्नाटक, और छठा जो हो जाएगा आपका तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं जहां पे क्या है विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद है। और विधानसभा तो लगभग सभी राज्यों के अंदर है। तो आज हम बात करने वाले छोटे से इस वीडियो में क्या कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। तो मेरे दिल्ली जाने से पहले एक तोहफा है आपके लिए, इस तोहफे को कबूल करो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखते हैं विधान परिषद का गठन कैसे कहते हैं, कैसे करते हैं, और इसको जो है इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है विधान परिषद को। अब देखो, अभी हाल में ही चर्चा में आया है, करंट अफेयर में क्या करता हूं, करंट अफेयर से भी कनेक्ट करता हूं कि हाल ही में चर्चा में आया है कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहां पे दीदी का शासन है, जिसे हम कहते हैं ममता बनर्जी का शासन है, तृणमूल कांग्रेस का शासन है, उसने कहा क्या है कि हम जो है अपने राज्य में कहां पे वेस्ट बंगाल में क्या लेके आएंगे, बनाएंगे, गठन करेंगे, किस चीज का गठन करेंगे, विधान परिषद का गठन करेंगे। तो आइए इस एग्जाम्पल को समझते हैं, क्योंकि देखो थोड़ा सा मुद्दा ये करंट अफेयर का है, क्योंकि क्या कह रहा है करंट अफेयर में, क्या कह जा रहा है वेस्ट बंगाल क्या गठन करेगी, तो विधान परिषद का लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगी, तो करंट अफेयर भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका एक जो है 5 मिनट का एक वीडियो हो जाएगा जो नॉलेजेबल वीडियो है। तो करंट अफेयर जोड़ दिया, कैसे किया जाएगा वेस्ट बंगाल में। अब देखो ध्यान से बात को सुनना, क्या कि वेस्ट बंगाल में टोटल विधानसभा की सीट कितनी है, वेस्ट बंगाल में टोटल विधानसभा की सीट कितनी है, 294 है। कितनी है? 294 सीट है। और आप बच्चे से वाकिफ हैं कि जिस दल के पास टोटल सीट का 50%+1, कितना टोटल सीट का 50%+1 अगर हो तो सरकार बना लेती है, वो दल क्या करती है सरकार बना लेती है। तो 294 का 50% कितना हो जाएगा, 294 का 50% 147 हो जाएगा। और एक क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, एक जोड़ दो, कितना 148 के साथ क्या हो जाएगी, बहुमत मिल जाएगी, बहुमत मिलेगी तो दल क्या हो जाएगा सरकार बना लेगी। अब देखो विधान परिषद का, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, इतना तो पता चल गया क्या है 294 सीट्स है। बात करते हैं विधान परिषद की, विधान परिषद की बात की जाए किसकी, वेस्ट बंगाल की अगर विधान परिषद की बात की जाए तो कैसे बनेगी, ध्यान से सुनना, विधान परिषद की बात की जाए तो कैसे बनेगी, ध्यान से सुनो। पहला कंडीशन क्या है, तो देखो आर्टिकल 169 बेटा याद रखना, क्या आर्टिकल, अनुच्छेद 169 कहता क्या है, क्या कहता है अनुच्छेद 169 क्या कहता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद, हम एग्जांपल ले रहे हैं वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है तो दो कंडीशन को फुलफिल करना होगा। पहला क्या करना होगा कि अगर अपने राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो वहां पे जो सरकार है उसको क्या करो, उस जो विधान परिषद का जो गठन करना, तो उसका जो प्रारूप है उस पर एटलीस्ट जितनी सीट्स है 50%+1 का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। तो टोटल सीट कितनी वेस्ट बंगाल में, बता चुका 294, और 50%+1 क्या करना है, इस विधान परिषद के लिए हस्ताक्षर चाहिए, क्या चाहिए, विधान परिषद के लिए हस्ताक्षर चाहिए। तो यानी कितना हो जाएगा 148, जैसी 148 सदस्यों का साइन होगा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया विधान परिषद के गठन के लिए। अब दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा यह कंडीशन है कि जिस दिन ये प्रस्ताव सदन में, यानी कि विधानसभा में, वेस्ट बंगाल के विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उस दिन क्या करना है कि जितने भी स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है, क्या करना है, स्पेशल मेजोरिटी से प्रेजेंट वोटिंग पास करना है, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, यानी कि जिस दिन ये वोटिंग के लिए बिल, जिस दिन ये वोटिंग के लिए विधान परिषद के लिए, ये वोटिंग के लिए जब बिल विधानसभा में लाया जाएगा तो उस दिन
विधानसभा में जितने प्रेजेंट जितने भी सदस्य मौजूद रहेंगे क्या जितने भी सदस्य मौजूद रहेंगे उसका क्या चाहिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए क्या चाहिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है 2/3 होती है तो मान लो कि उस दिन जिस दिन ये बिल पास किया जा रहा था वोटिंग के लिए तो प्रेजेंट थे कितने सदस्य प्रेजेंट थे तो टोटल मान लो कि 294 है तो इसमें से अगर हम ले लें 200 अगर 200 ले लें तो स्पेशल मेजोरिटी के लिए क्या करना होगा 2/3 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2/3 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा तो 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जितना आ जाए आपका ठीक है जितना आ जाए ठीक है क्या करना करोगे तो हो जाएगा 400/3 लगभग जो है जो भी आएगा ठीक है जो भी आएगा तो 2/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है मतलब कि सिंपल सी बात है क्या चाहिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जितने प्रेजेंट लोग हैं उनका 2/3 क्या चाहिए लोगों की सहमति चाहिए क्या चाहिए वोटिंग चाहिए अब इतना सही बात नहीं बनेगी अब जैसे ही 2/3 से ये बात विधानसभा में पारित हो गई अब इसे कहां भेजना होगा लोकसभा में कहां भेजना होगा केंद्र के पास भेजना होगा कहां भेजना होगा लोकसभा में और वहां पे लोकसभा में क्या होगा बेटा दूसरा याद रखना कि आर्टिकल 171 लोकसभा क्या करेगी 171 अनुच्छेद का क्या करेगी बेटा जो है उपयोग करेगी तो राज्य से यह मसौदा तैयार करके और स्पेशल मेजोरिटी 2/3 से मल्टीप्लाई करके भेज दिया गया कि भाई हमारे यहां सब चाहते हैं ये ठीक है कहां भेज दिया गया तो जो है आपको केंद्र भेज दिया गया अब केंद्र क्या करेगी उपयोग करेगी आर्टिकल 171 का और करने के बाद क्या करेगी कि जिस दिन संसद में जितने भी संसद में प्रेजेंट लोग होंगे तो मान लो कि संसद में 300 लोग प्रेजेंट है ठीक है जिस दिन ये वोटिंग होना है कहां पे केंद्र में ठीक है संसद में तो उसका क्या चाहिए उसका जो आपको चाहिए कैसा 1/3 चाहिए ठीक है 1/सिंपल मेजोरिटी चाहिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए तो बताओ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल है कर दूंगा मैं कितना हो जाएगा 100 यानी कि 100 लोगों के साइन होने के बाद क्या हो जाएगा विधान परिषद का गठन उस राज्य में हो जाएगा क्या हो जाएगा विधान परिषद का गठन हो जाएगा याद रखना जैसे ही विधान परिषद का गठन होगा मित्रों तो इसमें कम से कम 40 से जो है कम जो है लोगों जो सदस्य नहीं होने चाहिए ठीक है मान लो वेस्ट बंगाल में बन गई ये सारी करने के बाद तो मिनिमम कितना होना चाहिए मिनिमम 40 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 100 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए मिनिमम एटलीस्ट याद रखना 40 से कम नहीं होना चाहिए कोरम ठीक है तो ये था एक छोटा सा वीडियो हेल्पफुल होगी और करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दा था तो सोचा कि मैंने चीजों आपको अवगत करा दूं ठीक है तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा जय हिंद जय भारत।